नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नहीं बल्कि आपके इस खुद के चैनल टेच आर्मी पे। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं कि आपको कौन सा भर्ती देना है, कौन सा भर्ती नहीं देना है। तो आपको मैं सब कुछ बताऊंगा। टेरिटोरियल आर्मी का भर्ती आ चुका है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नहीं बल्कि आपके इस खुद के चैनल पर टीचर नहीं है। तो मैं बताने वाला हूँ टेरिटोरियल आर्मी होता क्या है, इस पर क्या क्या लगेगा, भर्ती कैसे आया है, कैसे नहीं आया है, और डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा, किस किस दिन एग्जाम होगा, किस किस स्टेट का एग्जाम होगा। और सबसे खास बात दोस्तों, इसमें फॉर्म भरने का कोई झमेला नहीं है। आप डायरेक्ट ओपन रैली में जाइए। पहले आपका फिजिकल होगा यानी कि रनिंग होगा, जब कुछ फिजिकल टेस्ट होंगे, उसका फिर मेडिकल टेस्ट होंगे। अगर आप इसको पास कर जाएगा आपका रिटर्निंग जाए, अगर आपकी नौकरी पक्की हो जाती है। जैसे पहले मैं बात करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बेलगाछिया कर्नाटक सबसे ऊपर में लिखा हुआ है सेंटर पे, उसके बाद लिखा हुआ लोकेशन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ग्राउंड बेलगाछिया कर्नाटक, मतलब कर्नाटका में आपका ये होने वाला है। और ये वीडियो फोर्थ जोन के ऊपर है, सबसे पहले देख लीजिए, आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये एक जनरल ड्यूटी है टी आर्मी, और पूरे 20 साल का नौकरी होता है, तो आपको घबराने वाला कोई बात नहीं होता है। 4 तारीख से लेकर के देख सकते हैं यहाँ पे आप डेट एंड टाइम में, देखिए पहला कॉलम से देखिए 4 नवंबर से लेकर के पूरा का पूरा 12 नवंबर तक इसमें भर्ती होने वाला है, ठीक है। इस दिन तक पूरा चलेगा। 13 नवंबर से लेकर के सबसे लास्ट में देखिए, जो कि आपका ये नंबर कॉलम है, उसमें 13 नवंबर से 16 नवंबर तक आपका ये डॉक्यूमेंट चेकिंग, टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, एटेक्ट्रा वगैरह होगा, ठीक है। तो कुल मिला जुला का बात यही है कि अगर आप अच्छे से इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे, तो आप इस भर्ती में जाइए और आपको सटीक जानकारी वाला, इंफॉर्मेशन वाला, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए, तो आप प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला दिया देखिए 4 नवंबर 2024 को दिया है, कहाँ दिया है, तेलंगाना, गुजरात, गोवा, द यूनियन टेरिटोरी ऑफ पुदुचेरी, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड द्वीप एंड लक्षद्वीप। तो 4 नवंबर 2024 को कर्नाटका के मिलिट्री स्कूल ग्राउंड, जो कि लोकेशन दिया गया है, इस स्टेट का वहाँ पे रैली होगा, ओपन रैली होगा। 5 नवंबर 2024 को देखिए आंध्र प्रदेश में होगा, 6 नवंबर को तमिलनाडु केरला में होगा, 7 नवंबर का फ्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ कर्नाटका में होगा। देखिए डिस्ट्रिक्ट का आप लोग देख लीजिए, इसमें सब कुछ लिखा पड़ा एकदम क्लियर एंड कट लिखा हुआ है, तो आप देख लीजिए, क्योंकि सबका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है। मैं अगर यहाँ पर नाम लूँगा तो कुछ गलती हो सकता है, और सब अजीबोगरीब नाम दिए हुए हैं, मैं उतना कुछ जानता नहीं हूँ, तो मेरे को प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा मेरे को लग रहा है प्रॉब्लम होगा, तो आप पढ़ लीजिए इसको। उसके बाद देखिए 8 नवंबर को दिया है फ्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ राजस्थान, तो राजस्थान में कुछ कुछ ज़िले हैं जहाँ पे होगा, जैसे कि यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, अजमेर, अलवर, भुंसवारा, बाड़मेर, ये सब है, जयपुर, ककेरी, तो आप अपने हिसाब से अपना डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए। उसके बाद दिया गया 9 नवंबर को फ्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ राजस्थान फिर से, क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि ओपन रैली है भाई, और सारे ज़िले का एक दिन में करना, मैंने पूरा एक स्टेट का रैली एक दिन में करना संभव वाला बात नहीं है। तो आपको बस यही देख लेना है कि आप मतलब कि उस दिन आपका वैकेंसी पड़ा है कि, मतलब आपका स्टेट जैसे कि 8 नवंबर को है, तो 8 नवंबर दिन आपके ज़िले का नाम इस कॉलम में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। दिया हुआ है चुपचाप भर्ती में दीजिएगा। अगर देखिए आपका जॉब नहीं हुआ, तो आपको एक एक्सपीरियंस लेकर आइएगा, और कुछ इसका बात नहीं है। 9 तारीख को फिर मैं बता दिया राजस्थान, आपको 9 तारीख का वाला काम हो गया, ऐसा में पड़ेगा। 10 तारीख आपका देखिए डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका के कुछ डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, 11 तारीख में डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र का कुछ डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, 12 तारीख को डिस्ट्रिक्ट ऑफ फिर से महाराष्ट्र में पड़ेगा, 13-16 तारीख मैं आपको बता दिया हूँ कि डॉक्यूमेंट चेकिंग वगैरह होगा। इस भर्ती के बारे में आपको बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट में क्या लगेगा। डॉक्यूमेंट में आपको क्लास 10 का मार्कशीट, जिसमें ईच सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट 45%, मतलब हर एक सब्जेक्ट में आपका 45% होना चाहिए, तब जा करके आप इस भर्ती को ज्वाइन कर सकते हैं अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। उसके बाद आपका इसमें एकदम बड़े तरीके से बताऊं कि अगर आपका देखिए इसका रिटर्न बोल के कुछ होता नहीं, अगर आप तगड़े पट्टा जिससे एकदम जवान एकदम घाटी एकदम, तो कोई आपको रोकने वाला नहीं, एकदम रनिंग मारिए एकदम। आर्मी का 1600 मीटर का रनिंग होता है, आर्मी का ही नौकरी है, और इसमें रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, इन सब रेजिमेंट में आपको जाने का मौका मिलेगा, बॉर्डर पर लड़ने का मौका मिलेगा, तो आप भारत माता की सेवा करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आप अपने रैली में जाइए और देखिए डेट एंड टाइमिंग की। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए कि
भैया मेरे को इस चीज़ के बारे में बताइए, तो आपको पूरा का पूरा आंसर दिया ही जाएगा, कोशिश नहीं किया जाएगा, दिया ही जाएगा। सब कुछ जानने के लिए बस आप कमेंट करिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और भी अच्छे से अगर आपको इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं, धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो टाटा बाय बाय, टेक केयर।